सिद्ध बाबा महाराज की जय। दोस्तों आज सिद्ध बाबा महाराज की जो है आश्रम में हनुमान दास जी महाराज के पास दो भगत लोग आए हुए हैं। इनमें से एक को आंखों की कुछ समस्या है, तो इन्हीं से जानते हैं क्या समस्या है, कैसे आश्रम के बारे में पता लगा, कैसे ये लोग आए हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम है दुर्गेश। दुर्गेश, सिवनी जिला से आया हूँ। सिवनी जिला से लखना द्वन में रहता हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी हमें बचपन से मतलब आँख प्रॉब्लम है। अच्छा, जब जन्म से ही मतलब आँख में दिखता नहीं है। अच्छा, तो हमने महाराज जी का वीडियो देखा। अच्छा, और जानकारी लगी तो हम यहाँ पर आए थे मतलब अयोध्या जाने के लिए जी। तो हमने अभी चित्रकूट घूमा। अच्छा, कामतानाथ घूमा। हाँ, तो हमने सोचा क्यों ना जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा सिद्ध बाबा जी के दरबार में भी जाया जाए, हाजिरी लगाई जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ वीडियो हमारे ऐसे पड़े हैं जिनमें जिन लोगों को आँखों की समस्या थी और उनको काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है हनुमान दास जी महाराज जी जब वो आँखों की दवा लेके गए हैं तो उनको काफ़ी राहत मिली है। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी विजिबिलिटी 1-2% के आसपास थी, तो उनकी विजिबिलिटी जो है बढ़ के 10-15% तक हो चुकी है। धीरे धीरे उनका इलाज चल रहा है। तो शायद इन्होंने वही वीडियो देखे हैं हमारे। हाँ, वो बच्ची और का वीडियो देखे थे। हाँ, एक बच्ची थी। हाँ, बिल्कुल, उसकी भी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो उन्हीं का वीडियो देख के ये लोग आए हैं हनुमान दास जी महाराज के पास। दोस्तों, आँखों से दिखाई कम देता है इनको, लेकिन भगवान ने टैलेंट खूब दिया है इनको, प्रतिभा की कोई कमी नहीं इनके पास। ये देखिए ढोलक इनके पास रखा है और भगवान राम के बारे में और सभी जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके बारे में भजन दुर्गेश भाई को आते हैं। तो हम सुनना चाहेंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे कि कोई भगवान राम जी के बारे में कोई छोटा सा भजन हमें गा कर सुनाए। जी बिल्कुल, सुनाए दुर्गेश। जब तक घटे में प्राण है और कभी तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान है। ओ चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी राम लला की नगरिया में। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी रामलला की नगरिया में। अरे हारे सखी रामलला की नगरिया में। चलो चलिए जहो चलो चलिए अयोध्या धाम सखी रामलला की नगरिया में। अरे हारे सखी नगर अयोध्या में धूमे मची। अरे हारे सखीरी रामचंद्र की प्रतिमा बनी और वहाँ जुड़ गए हैं सब नर नारे। सखीरी रामलला की नगरिया में। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी रामलला की नगरिया में। और जितने हमारे भारत के हिंदू धर्म के निवासी, भारत में रहने वाले जितने भी हिंदू धर्म के निवासी हैं, ये वीडियो को जरूर देखें और देख के जरूर बताएं आपको कैसा लगा है और आखिरी में क्या कहना है भगवान श्री राम के चरणों में। अरे हारे सखी दुर्गेश भैया पे नय करें। अरे हारे सखी दुर्गेश भैया पे नय करें। अरे वीडियो खे करियो लाइक रामलला की नगरिया। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरे रामलला की नगरिया में। और आखिरी में जो भाई साहब हमारा मदद करने के लिए आए हैं जी, उनका नाम मनोज है, मनोज कुमार, ये ग्राम भोमा में रहते हैं, हम लखना द्वन में। तो इनके लिए दो शब्द। हाँ, क्योंकि अगर ये ना होते हमारी मदद करने के लिए तो हम ना चित्रकूट घूम पाते ना कामतगिर की परिक्रमा कर पाते। इन्हीं के सहयोग से हमें क्या कहना है इनके लिए। हाँ, अरे हारे सखीरी मनोज संगे में आए। अरे हारे सखीरी मनोज संगे में आए हैं।
इनको गांव है, इनको गांव है भोमा गिरा सखी लाला की नगरिया। चंद्र की जय, बोल सिद्ध बाबा महाराज की जय, बोल हनुमान दास महाराज की जय। तो दोस्तों देखा आपने कितना सुंदर भजन भगवान श्री राम का इन्होंने सुनाया है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हम अयोध्या धाम में बैठे हैं, तो बड़ा ही प्यारा भजन इन्होंने सुनाया। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। दोस्तों से मेरा भी ये निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें दोस्त अपने दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो की विजिबिलिटी बढ़े और हमारा भी उत्साह बढ़े। तो ये जब भी हनुमान दास जी महाराज से आज इनको मिलवाएंगे, हनुमान दास जी महाराज क्या इनके समस्या का समाधान देते हैं, वो भी एक दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसकी अगर हेल्प यही है कि इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे, तो इस भाई को भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। बोल सिद्ध बाबा महाराज की जय।